हेलो दोस्तों, ममता डिजाइनर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पेटीकोट की कटिंग के बारे में बताऊंगी। तो ये अपना कपड़ा है, देख लीजिए, 2.25 मीटर आपने कपड़ा लिया है। अब अपन की मोटाई है क्लाइंट की 36 इंच में 4 इंच का मार्जिन लेंगे तो वो हो जाता है 40 इंच। अब 40 इंच का जब आधा करेंगे तो 20 इंच होता है, जो 20 इंच का चौथाई भाग लेंगे दोस्तों। एक तरफ देखेंगे ये 4 हिस्से हैं, 6 कली का पेटीकोट बताऊंगी मैं आपको आज। ये 4 हिस्से तो ये हो जाएंगे और 2 हिस्से ये हो जाएंगे, ये दोनों सिरों बंद साइड निकलेंगे और ये खुले सिरे निकलेंगे। तो जब अपन चौथाई भाग लेंगे 20 इंच का, तो देखिए 20 इंच का चौथाई भाग होता है 5 इंच, ये हो गया अपना 5 इंच, और आधा इंच अपन सिलाई के लिए लेंगे। अब अपन को काटना इस भाग से होके, ये निशान से होके काटना है। ऐसे ही इस साइड ले लीजिए, चौथा हिस्सा 5 इंच ले लिया और आधा इंच ऐसे सिलाई का ले लिया। अब ये इसको इस निशान से मिलाना है, या तो आप ऐसे मिला लीजिए आपको कैसे सुटेबल लगता है, या तो आप इसको रख के ऐसे मिला लीजिए, या फिर इसको ऐसे नहीं रखते हो तो आप इसको ऐसे मिला लीजिए। ये देखिए मैंने इसको ऐसे मिला लिया, ये देखिए। ये मिला लिया, अब मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगी। अब अपन की 6 कली निकल के आ गई है, 2 कली है वो बड़ी है और ये 4 कली है वो अपनी छोटी है। अभी इसमें कौन निकलेगा उसको अपन निकालेंगे। इसको ऐसे 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 फोल्ड कर लिया है, ये जो कॉर्नर है उसको अपन ऐसे काट देते हैं। और यहाँ अपन ने आधा इंच जो ज्यादा लिया था ना वो यहाँ निकल जाएगा, ये भी यहाँ भी कॉर्नर पर गया है अपना, ये देखिए। ऐसे ही इसको कर लीजिए, इसको भी ऐसे ही कटिंग करना है। ये 6 कली कट गई है, ये 4 हो गई छोटी वाली कली और 2 हो गई अपनी बड़ी वाली कली, ठीक है। अब अपन बेल्ट निकाल लेते हैं। देखिए ये अपन का ऊपर का सिरा बच गया था बंद साइड से, हमेशा बंद साइड का सिरा ही निकाल के रखना है ताकि अपना पेटीकोट में लंबाई में कोई दिक्कत नहीं आए या फिर अपना पेटीकोट कटिंग में बिगड़े नहीं। तो ये लंबाई का सिरा देखिए जब निकला है तो कितना सारा बच गया है अपना, क्लाइंट की लंबाई कम थी तो इसलिए इतना बच गया है। अब देखिए अपन बेल्ट की मोटाई है अपनी 36 इंच, 4 इंच अपन मार्जिन के लिए ले लेंगे तो ये हो गया 40 इंच। तो अपन बेल्ट निकालेंगे तो ये देखिए 17 इंच
यानी कि ये 34 इंच का ही बेल्ट बैठ रहा है, तो एक तो ये भाग काट लेंगे, फिर इसमें अपन वापस से जोड़ेंगे। बेल्ट लेंगे 2 इंच अपन की बेल्ट की चौड़ाई रहेगी, और इसमें 1 इंच मार्जिन के लिए ले लेंगे, जो आधा इंच ऊपर सिलाई में चला जाएगा जब अपन इसको जोड़ेंगे बेल्ट को, और आधा इंच फोल्डिंग के लिए चला जाएगा। तो अपन इसको 5 इंच ले लेते हैं, ये देखिए 5 इंच ले लिया है मैंने। ये 34 इंच का ही बेल्ट बैठ रहा है अपना, तो इसमें अपन 6 इंच और लेंगे, और 1 इंच सिलाई के लिए लेंगे, यानी कि इसमें 7 इंच और लेंगे अपन बेल्ट। तो देखिए इसका एक सिरा खोल लेंगे इसको ऐसे, और इसमें 34 इंच बैठ रहा है, तो ऐसे इसको रखे 5 इंच ऐसे लंबाई ले लेंगे इसकी, वो 7 इंच, ये देखिए इसमें 6 इंच तो माइनस हो रहा था, और 1 इंच अपन ने मार्जिन के लिए लिया है। दोनों साइड बेल्ट को पलटेंगे ना, तो उसके लिए चाहिए, तो ये अपन ने इसको ऐसे रखा। ये देखिए अपना बेल्ट हो गया है 20.5 इंच, यानी कि अपना बेल्ट हो गया 41 इंच का, ठीक है। अभी अपना बेल्ट हो गया है, और ले के लिए निकाल लेंगे इसमें से कपड़ा। नाड़े के लिए निकाल लेंगे इसमें से कपड़ा, के लिए कपड़ा निकाल लिया है अपन ने। दो छोटी गली लेंगे जो दोनों साइड रखेंगे अपन। अब ये छोटी गली में उरेबी वाला हिस्सा नहीं जोड़ना, उरेबी में उरेबी वाला हिस्सा नहीं जोड़ना है अपन को, ये वाला हिस्सा जोड़ना है ऐसे ऐसे, ये वाला ऊपर रख के जोड़ोगे, तो ये देखिए ये दोनों साइड छोटे सिरे जोड़ेंगे अपन। ये देखिए इधर को भी एक सिरा जोड़ दीजिए, ऐसे दोनों साइड छोटे सिरे जोड़ने हैं, बीच में बड़ा सिरा जोड़ना है। अपना पेटीकोट को जब सिलाई करेंगे तब ऐसे जोड़ना है इसको। अपने पेटीकोट की कटिंग एकदम कंप्लीट हो गई है दोस्तों, आगे मैं इसकी सिलाई के बारे में बताऊंगा।